हेलो गाइस, वेलकम बैक टू त्रिदेव इन्वेस्टमेंट लैब। तो गाइस, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ टीवीएस मोटर के शेयर के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, शेयर में आज काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। आखिर ये गिरावट क्यों देखने को मिली है, मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ और साथ ही कन्फर्म कराने वाला हूँ इसके डिलीवरीज ही, इसमें बायर्स कितने मात्रा में हावी होते हुए देखने को मिल रहे हैं, और इसके कन्फर्म कराने वाला हूँ इसका अगला दिन का सेंटिमेंट भी, और साथ ही कुछ पहले का भी सेंटिमेंट आपको क्लियर कराने वाला हूँ कि ये किस तरह से कैंडल आपको अगले दिन के साथ प्रोवाइड करा सकता है और अगले दिन आप कौन से कैंडल के साथ ट्रेड कर ज़्यादा अच्छी प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इस तरह की सारे पॉइंट्स की कन्फर्मेशन के लिए आप हमारे वीडियो में एंड तक बने रहें, और इसी तरह के रेगुलर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो आइए मैं आपको कुछ पॉइंट के साथ इसका आज का सेंटिमेंट आपके साथ डिस्कस करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आपके सामने जो है टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड का चार्ट लगा रखा है। अगर बात करें इसके आज के क्लोजिंग प्राइस की, तो क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हैं 732 का इसने आज क्लोजिंग प्रोवाइड आपको किया है, और अगर बात करें प्राइस डाउन की, तो ये -15.05 रुपीज से आज शेयर डाउन बना था वो देखने को मिला। अगर बात करें इसके प्रीवियस क्लोजिंग की, तो आप देख सकते हैं -2.01% से शेयर में आज गिरावट देखने को मिली है। आगे बढ़ते हुए गाइस, अगर इसके बात करें प्रीवियस क्लोजिंग की, तो आप देख सकते हैं 747 पे इसकी प्रीवियस क्लोजिंग देखने को मिली। अगर बात करें इसके आज के ओपनिंग प्राइस की, तो 752 का इसका आज का ओपनिंग देखने को मिला, यानी कि शेयर में आज गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। अगर बात करें इसके हाई प्राइस की, तो 752 का हाई भी क्रिएट किया है, यानी कि अगर देखें तो इसने जो है जब ये मार्केट ओपन हुआ उसके बाद ऊपर गया ही नहीं, उसके बाद जो है 718 का इसने आज लो क्रिएट किया है, जो कि प्रीवियस क्लोजिंग को भी काफ़ी ब्रेक डाउन करते हुए और काफ़ी नीचे जाते हुए इसने आज लो क्रिएट किया है। तो स्टार्टिंग में तो आपने देखा कि शेयर में जो है आज गैप अप ओपनिंग के साथ उछाल के संकेत प्रोवाइड हुए, लेकिन वापस ही अगले ही पल आप देख सकते हैं लगातार शेयर में गिरावट देखने को मिली और काफ़ी नीचे जाता हुआ शेयर देखने को मिला, और आप देखते हैं -2.01% के आज शेयर में गिरावट भी देखने को मिली है। चलिए आखिर देखते हैं इस गिरावट के बाद इसके ट्रेडेड वॉल्यूम में क्या असर पड़ा है। जैसे कि आप देखते हैं इसके ट्रेडेड वॉल्यूम, जो कि आपके सामने 40,94,004 की जो है क्वांटिटी के साथ आपको इसका ट्रेडेड वॉल्यूम देखने को मिला, लेकिन अगर इसके 52 वीक हाई की बात करें, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 813 का इसका 52 वीक हाई देखने को मिला, जो कि ये 9 नवंबर को ही अचीव किया, यानी गाइस कुछ दिन पहले ही अब इसने अपना 52 वीक हाई भी क्रिएट किया है। चलिए आगे बढ़ते और जानते हैं इसका डिलीवरी क्या रहता है। तो गाइज आप देख सकते हैं इसका आज का डिलीवरी मैं आपके साथ अपडेट करने वाला हूँ। क्लियरली गाइज 3 बजे का अपडेट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं अगर इसके क्वांटिटी ट्रेड की बात करें, तो क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हैं 38,06,844 की आपको यहाँ पे इसकी क्वांटिटी ट्रेड देखने को मिला, लेकिन गाइज अगर इसके डिलीवरेबल क्वांटिटी की बात करें, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 14,67,060 क्वांटिटी की जो है आपको डिलीवरी देखने को मिली, यानी कि इस परसेंटेज 38.54% की जो है इस शेयर में काफ़ी बड़ी डिलीवरी आपको देखने को मिल रही है। तो गाइज आप इसके डिलीवरी परसेंटेज या फिर डिलीवरी क्वांटिटी से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि शेयर में गिरावट के कारण साथ साथ आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बायर्स हावी होते हुए शेयर में देखने को मिल रहे हैं, जो कि कुछ समय पहले ही इसने अपना 52 वीक हाई अचीव किया है, तो शेयर में थोड़ी बहुत की गिरावट की चांसेस क्लियर हो रही थी, जिससे आप देख सकते हैं कि शेयर में आपको गिरावट भी देखने को मिली है। लेकिन आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कुछ न्यूज़ भी आपको यहाँ पर क्लियर करता हुआ हमें मिला है, तो मैं आपके साथ थोड़ी समय में डिस्कस करने वाला हूँ, तो आप हमारे साथ बने रहे। तो आइए क्लियर करते हैं न्यूज़ की कि आखिर शेयर में गिरावट क्यों देखने को मिली है। तो चलिए इसके न्यूज़ के पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और आपको न्यूज़ कवर करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने जो इसका न्यूज़ का चार्ट लगा रखा है, जो कि आप देख सकते हैं आज के इंडिकेटर्स ऑफ फरवरी, आप देख सकते हैं फ्राइडे 12 नवंबर का आपके सामने मैंने आपके साथ जो है चार्ट लगा रखा है इसके न्यूज़ का। आप देख सकते हैं टीवीएस मोटर कंपनी का, आप समझ सकते हैं टीवीएस मोटर कंपनी ने घोषणा की है कि जो है ये वो, यानी कि टीवीएस मोटर कंपनी ने घोषणा की है कि वे जो है यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट में शामिल हो गए हैं, यानी कि संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट में शामिल हो गए हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्थिरता पहल है। यानी कि टीवीएस मोटर्स ने एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट आपके साथ क्लियर की है, जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। नंबर पॉइंट्स 1 और नंबर पॉइंट्स 2 आपके सामने क्लियर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो गाइज आप देख सकते हैं क्लियरली अगर बात करें टीवीएस मोटर की, जो कि गाइज आप यहाँ पे नंबर फर्स्ट में देख सकते हैं मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। टीवीएस मोटर ने गाइज आप समझ सकते हैं नॉर्टन, गाइज आप समझ सकते हैं यहाँ पे नॉर्टन मोटरसाइकिल, गाइज आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। तो नॉर्टन मोटरसाइकिल ने 2020 में टीवीएस द्वारा अधिग्रहित, गाइज टीवीएस द्वारा अधिग्रहित जो है ने नया यहाँ पे वैश्विक मुख्यालय खोला था। आप देख सकते हैं नॉर्टन मोटरसाइकिल ने जो है नया वैश्विक मुख्यालय खोला था, अ न्यू ग्लोबल हेडक्वार्टर्स। आगे बढ़ते हुए देखेगा इस, तो आप देख सकते हैं कि नॉर्टन के वैश्विक मुख्यालय में यहाँ पे अत्यधिक विनिर्माण असुविधा, यानी कि अगर आप यहाँ पे गौर करें तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे नॉर्टन के नए वैश्विक मुख्यालय में अत्याधुनिक विनिर्माण सुविधा उपलब्ध है, जो मार्के के रणनीति विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
यानी गाइस अगर आप यहाँ पे फोकस करें तो आप देख सकते हैं कि इसने फर्स्ट, यानी गाइस टीवीएस मोटर ने फर्स्ट पॉइंट में ही अपने काफी बड़ी अनाउंसमेंट यहाँ पे क्लियर करता हुआ देखने को मिला। तो चलिए आगे बढ़ते हुए इसके सेकंड पॉइंट को भी देखते हैं और सेकंड अनाउंसमेंट को देखते हैं कि क्या इसने आपके सामने घोषित किया है, जो कि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। सेकंड पॉइंट है टीवीएस मोटर में आपने आपके साथ कहा है कि नई उत्पादन लाइन जो है, यानी कि नई उत्पादन लाइन जो टीवीएस मोटर चालू करने वाला है, चालू कर रहा है, अब उसमें देख सकते हैं कि उसमें जो है सालाना लगभग 8000 यानी 8000 मोटरसाइकिल देने में सक्षम होगी वो लाइन। आप समझ सकते हैं नए उत्पादन लाइन जो है सालाना लगभग 8000 मोटरसाइकिल देने में सक्षम होगी। तो गाइस आप ये देखने के बाद कह सकते हैं कि ये जो है अनाउंसमेंट इस कंपनी के लिए काफी यहाँ पे उदासजनक देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये शेयर में इस अनाउंसमेंट के बाद भारी गिरावट देखने को मिली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके कंफर्म कराते हैं आपका आपके साथ इसका सेंटिमेंट्स कि अगले दिन आप कौन से कैंडल के साथ ट्रेड करें तो ज्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो जैसे ही गाइस आप क्लियरली देख सकते हैं, मैंने आपके सामने वन डे कैंडल के साथ टीवीएस मोटर्स का चार्ट लगा रखा है। अगर बात करें इसके सिग्नल्स की तो मैं आपके साथ इसके यानी कि आरएसआई के इंडिकेटर की मदद से इसका सिग्नल कंफर्म कराने वाला हूं। फिलहाल आप देख सकते हैं आरएसआई जो है कंफर्म आपको सेल का सिग्नल ही इंडिकेट कर रहा है। आगे की ओर बढ़े गाइस और देखें इसके कन्फर्मेशन के साथ, तो आप देख सकते हैं इसने आपको बीयरिश कैंडल के साथ एक अपना 52 वीक हाई कुछ दिन पहले ही, जैसा कि आपने मैंने आपके सामने क्लियर किया 9 नवंबर को ही इसने अपना 52 वीक हाई अचीव किया। उसके बाद शेयर में आप देख सकते हैं बीयरिश कैंडल के साथ वापस इसने आपको बुलिश कैंडल प्रोवाइड किया, लेकिन वैसे वहां से आपको फिर से अगले रिवर्सल के साथ आपको फिर से डाउन ट्रेंड ही देखने को मिला, क्योंकि अपना टारगेट अचीव कर चुका था। और उसके बाद देखें तो लगातार शेयर में आपको फिर से बियर स्कैंडल ही देखने को मिला। और अगर इस यहाँ पे देखें और फोकस करें तो आप देखते हैं कि अपने सपोर्ट से भी काफी नजदीक बनता हुआ शेयर आज आपको देखने को मिला है, बियर स्कैंडल आपको देखने को मिला है। अगर बात करें डाउन की तो गाइस अगले दिन आपको फिर से डाउन का सिग्नल ये प्रोवाइड करता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि आर से आपको कन्फर्म सेल का सिग्नल फिर से आपको इंडिकेट करता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर बात करें इसके अगले दिन के कैंडल्स के अनुसार बन रहा है सपोर्ट की, तो आप देख सकते हैं काफी नजदीकी सपोर्ट एक बनता हुआ देखने को मिल रहा है जो कि 706 पे बन रहा है। लेकिन अगर बात करें इसके सपोर्ट अचीव करने के बाद रिवर्सल की, तो गाइस अभी आपको रिवर्सल के चांसेस क्लियर नहीं हो रहा है, वापस से यहाँ पे चांसेस क्लियर हो रहा है कि वापस से अपने सेकंड सपोर्ट तक आ सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं करीब 2 से 3 दिन पहले इसने अपना 52 वीक हाई भी अचीव किया और शेयर में लगातार बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है और वापस से काफी नजदीकी सपोर्ट बनता हुआ भी देखने को मिल रहा है। तो गाइस 52 वीक हाई के बाद शेयर में थोड़ी गिरावट तो देखने को मिलती है, तो हो सकता है थोड़ी गिरावट जो है थोड़ी लंबी चले, जो कि आपको कुछ से 5 से 10 दिन या फिर 1 वीक तक का आपको गिरावट देखने को मिल सकता है। लेकिन गाइस अगर बात करें सिग्नल्स की, तो आपको कंफर्म आरएसआई जो है अभी आपको सेल का सिग्नल ही इंडिकेट कर रहा है। अगले दिन आप बियर स्कैंडल के साथ ट्रेड करें, गाइस शॉर्ट सेलिंग करके काफी अच्छे पैसे आप इसमें अर्निंग कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको कंफर्म कराता हूँ इसके अगले दिन के सिग्नल के साथ बन रहा है इसके टारगेट्स एंड सपोर्ट। तो गाइस अगले दिन आपको बियर स्कैंडल का सिग्नल प्रोवाइड हो रहा है, इसके लिए मैं आपको इसका बियर स्कैंडल के साथ यानी कि शॉर्ट सेलिंग के लिए मैं आपको टारगेट क्लियर करूँ जो 706 पे आपके सामने बनती हुई नजर आ रही है। अगर बात करें इसके सेकंड सपोर्ट की, तो यहाँ तक भी आने के चांसेस क्लियर हो रहे हैं। अगर ये फर्स्ट को ब्रेक डाउन कर आगे की ओर बढ़ता है तो ये सेकंड सपोर्ट जो कि 651 पे बन रही है, इसको भी अचीव करने के चांसेस क्लियर कर सकता है। लेकिन अगर बाई चांस इसमें फर्स्ट सपोर्ट के बाद ही रिवर्सल आपको मिलती है तो और भी अच्छी बात है, आपको कम समय में काफी अच्छी टारगेट अचीव कर एक बड़ी प्रॉफिट आपको मिल सकती है, जो कि 760 पे इसका फर्स्ट टारगेट बनता हुआ देखने को मिल रहा है। हो सकता है अगले दिन आपको छोटी बियर स्कैंडल के साथ वापस से अगले कैंडल के साथ आपको बड़ी रिवर्सल देखने को मिले और वापस से आपको कम समय में बन रहे टारगेट अचीव कर एक बड़ी प्रॉफिट आपको प्रोवाइड कराए और इसको फिर ब्रेकआउट कर एक नई टारगेट भी आपको देखने को मिले, जो कि अभी तक का 52 वीक हाई 813 का देखने को मिल रहा है। और अगर ये इसको ब्रेकआउट करता है तो आपको फिर से नई टारगेट एंड नई 52 वीक हाई भी देखने को मिल सकते हैं, जो मैं आपको रेगुलरली अपडेट करता रहूंगा आप हमारे वीडियो के साथ यानी कि इस चैनल के साथ बने रहे। तो गाइस अगले दिन के सिग्नल के साथ मैं आपको बियर स्कैंडल का रिकमेंड करूंगा, अगले दिन आप बियर स्कैंडल के साथ यानी कि शॉर्ट सेलिंग कर काफी अच्छे पैसे अर्निंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक्स गाइस, इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट हमेशा पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेटर सपोर्ट के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।